स्थानीय कंसारी समाज द्वारा भगवान सत्यनारायण की 71वीं वर्षगांठ सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। समाज के सभी लोगों ने घर में ही रहकर भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना की व सत्यनारायण की कथा सुनी और एक दूसरे को जयंती की बधाई दी। वहीं स्थानीय सत्यनारायण मंदिर परिसर में कुछ लोगों के साथ सुबह ही पूजन अनुष्ठान का कार्यक्रम मंदिर के पुरोहित भागवत प्रसाद मिश्रा व संजय मिश्रा की मंत्रोच्चारण से संपन्न हुआ, जहां सर्वप्रथम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा का पंचामृत स्नान, दुग्धाभिषेक व नया वस्त्र पहनाकर फूलों से श्रृंगार किया गया। मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया गया और मंगल आरती पश्चात मंदिर का पट पूरी तरह से बंद कर दिया गया। समाज के अध्यक्ष सहदेव कंसारी ने बताया कि लॉकडाउन के चलते इस बार समाज द्वारा आयोजित होने वाली सभी आयोजन व रैलियों को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन भगवान सत्यनारायण की जयंती मनाने में कोई भी कमी नहीं आई है। नगर कंसारी समाज इस बार घर बैठे ही परिवार के साथ पूजन अर्चन कर रहा है और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। हम सभी ने भगवान सत्यनारायण से यही प्रार्थना की है कि नगर कंसारी समाज हमेशा आगे बढ़े और भगवान जल्द हमें इस कोरोना बीमारी से मुक्ति दिलाए। समाज से आने वाले वर्तमान पार्षद योगेंद्र कंसारी ने भी लॉकडाउन के नियमों का सम्मान करते हुए घर में ही अपने परिवार वालों के साथ भगवान सत्यनारायण की जयंती मनाई। उन्होंने भी देश व दुनिया के लोगों को इस बीमारी से जल्द निजात दिलाने की प्रार्थना भगवान से की। वहीं सामाजिक जनों में मुन्ना साव, बबला सारस, दशरथ कंसारी, गोविंदा कंसारी, संतोषी कंसारी, गणेश कंसारी, संतोष कंसारी, चंदू बाड़िया, गुड्डू, तरुण कंसारी, बलराम सारस, मुन्ना कंसारी आदि लोगों ने भी अपने अपने घरों में ही भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना की और एक दूसरे को जयंती की बधाई देते हुए परिवार, समाज सहित देश दुनिया की शांति के लिए प्रार्थना भगवान से की। इस तरह से नगर की कंसारी समाज द्वारा इस वर्ष लॉकडाउन के चलते सादगीपूर्ण तरीके से भगवान सत्यनारायण जयंती का वर्षगांठ मनाया गया। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते प्रदेश सहित पूरे देश की मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे व गिरजाघर पूरी तरह से बंद हैं। लोगों को पूर्ण रूप से इन जगहों पर जाना वर्जित किया गया है, जिसका सम्मान करते हुए नगर के कंसारी समाज ने हर वर्ष भव्य रूप से आयोजित होने वाली इस वर्षगांठ को बड़े ही सादगी पूर्ण ढंग से मनाया और नगर के अन्य समाजों के बीच एक उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसकी न केवल शासन प्रशासन बल्कि आम लोगों ने भी खुले दिल से सराहना की बल्कि इसे प्रेरणादायक बताया है। मंदिर के पट बंद होने के बावजूद भी अनेक भक्त भगवान की एक झलक पाने के लिए मंदिर तक पहुँचते रहे, जहाँ पट पर वे सभी शीश झुकाकर भगवान के आशीर्वाद लिए और अपने परिवार व देश की खुशहाली के लिए दुआ मांगी। BNX TV के लिए नवापारा राजिम से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट। हमारे साथ यहाँ पर समाज से कोषाध्यक्ष है BR सारस जी। जी सारस जी, बताइए किस तरह से आप सभी ने भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा अर्चन यहाँ पर की, उनकी जयंती मनाई। क्या देश भर में पूरा COVID-19 फैला हुआ है जी, सभी जगह लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति में कसेर समाज के द्वारा आज अपना ये 71वां वर्षगांठ सत्यनारायण महाप्रभु का मनाते हैं। इसमें इस स्थिति को देखते हुए हमने एक दो आदमी को लेकर के भगवान की पूजा अर्चना की है यहाँ, और जितने भी श्रद्धालु लोग आते थे उनको हम लोग आने के लिए मना किए ताकि यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा ना हो और अपन उसकी मतलब लॉकडाउन की जो स्थिति जो बनी हुई है यहाँ और धारा 144 भी लगी हुई है, इसको हम लोग देखते हुए इस निर्णय लिए। उसके बाद में दो चार आदमी द्वारा पूजा संपन्न किया गया यहाँ सत्यनारायण। पूजा कर आप सभी ने भगवान महाप्रभु जी से क्या आशीर्वाद के रूप में? भगवान महाप्रभु से यही विनती निवेदन किए, प्रार्थना किए ताकि जो विपत्ति जो ये आया हुआ है देश के ऊपर में, सभी विश्व में फैला हुआ है, उसको धीरे से शांत करें जी।
और यहाँ तो सब स्थिति है, जो भी प्रसाद वगैरह वितरण हम लोग घर घर जा कर के कर दिया गया है, मतलब कर दिया गया है यहाँ। और यहाँ पे भीड़ भाड़ वैसा कुछ भी नहीं रहा, हम लोग पूरा लॉकडाउन जो होते की पूरी व्यवस्था हम लोग करके नियम का पूरा पालन किए हैं। हमारे साथ इस मंदिर के पुरोहित भगवत प्रसाद मिश्रा जी हैं, आज हम उनसे जानना चाहेंगे। जी बताइए महाराज जी, किस तरह से आप सभी आज भगवान श्री सत्यनाथ जी की जयंती वर्ष मना रहे हैं? जी रात का 4 बजे जी मंदिर का पट खोला गया जी, उसके बाद पंचांग से भगवान का जी उनके द्वारा स्नान जी श्रृंगार होने के बाद रात का 5:30 बजे जी मंगला आरती सत्यनारायण जी का पूजन के बाद इकट्ठा हुआ जी, पंचायत इकट्ठा होने के बाद जी भगवान को भोग लगाया गया जी अमृतसर, उसके बाद भोग आरती थी और कोरोना के महामारी के चलते समाज के सभी लोग जो है अपने अपने घरों में पूजा पाठ जी धर्म से आते हुए जी महोत्सव नियम बनाया गया जी समाज के पवित्र रूप में आकर जी मनाया गया। भगवान सत्यनारायण से इस महामारी से संसार में जो है शांति बना जी महामारी से उन्होंने बचा। आज 70 वर्ष 75 वर्ष से भगवान की स्थापना पंचायत समाज के द्वारा की गई जी, प्रतिवर्ष उत्साह से मनाया जाता है, सभी लोग आकर के महापंचायत ग्रहण करते हैं जी। और इस समय कोरोना महामारी के कारण सब अपने अपने घरों पर भगवान का पूजा कर रहे हैं जी, जी घरों तक प्रसाद पहुँचाए जी। हमारे साथ सत्यनारायण मंदिर के अध्यक्ष यहाँ पर हैं जी, बताइए आज किस तरह से आप सभी ने भगवान सत्यनारायण जी की जयंती मनाई? सत्यनारायण मंदिर में जी हर्षोल्लास मनाया गया जी, और जो भी ठीक है भगवान से प्रार्थना की गई, कुछ शांति बनाए रखे, सब दुर्घटनाओं को अब दूर करें जी। आपका नाम? साथ यहाँ पर कंसारी समाज की कुछ महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं जी, बताइए मैम इस बार आप लोग किस तरीके से त्यौहार मना रहे हैं? हम लोग घर में पूजा किए हैं जी, और यहाँ पे आके नियम अनुसार काम मतलब पूजा कर रहे हैं, सब लोग एक एक करके अपने नियम से मतलब मंदिर के अंदर जाके नियम का पालन करते हुए भगवान का टेक के आ रहे हैं। और पहले तो सब निकाला जाता था, नाकियों के सब निकाले जाते हैं, खाना वाना सब खिलाते उलाते, सारा दिन मंदिर में वो मतलब कार्यक्रम चलते थे। इस बार आप सभी प्रोग्राम जो है स्थगित किए गए हैं? इस बार पूरा कार्यक्रम जी। भगवान सत्यनारायण प्रभु जी से आपने क्या मांगा था इसके कुछ अंश? इस बार हम मांगे हैं कि जो महामारी फैली हुई है जी, जी। पूरे देश को मतलब सुरक्षित मिले, कोरोना खत्म हो जाए और सब नागरिक सब स्वस्थ रहे, ये मांगे हैं। आपका नाम? मेरा नाम संतोषी अंसारी है, मैं मुर्दा महामारी। हमारे साथ समाज के समाज से योगेंद्र कंसारी जी जो पार्षद हैं वो हमारे साथ हैं जी, बताइए योगेंद्र जी किस तरह से इस बार आप लोग भगवान सत्यनारायण जी की पूजा आराधना कर पा रहे हैं? हर साल तो बड़े हर्षोल्लास से मनाते थे जी, बाकी इस साल COVID-19 कारण हम लोग अपने अपने घर में पूजा पाठ करके शांतिपूर्वक त्यौहार मना रहे हैं। आप सभी की क्या उम्मीद है भगवान से, आपने क्या मांगा? साथ यहाँ पर कंसारी समाज के नगर अध्यक्ष सदैव कंसारी जी हैं जी, सदैव जी बताइए किस तरह से इस बार आप सभी ने भगवान सत्यनारायण जी की वर्षगांठ उत्सव मनाई है? शासन के निर्देशानुसार धर्म स्थल बंद होने के कारण हमने सत्यनारायण भगवान का इकट्ठा वार्षिकार्थ समस्त कार्यक्रम को निरस्त कर दिया है, जैसे शोभा यात्रा भोजन प्रसादी ये सब कार्यक्रम को हम निरस्त कर दिया है, और सोशल डिस्टेंस पूरा कार्य पूरा हम अपना रहे हैं उसका अपना समाज। और मंदिर का आरती हमारे पुजारी भगवत पद सवेरे 4 बजे से अपना जी भगवान का पंचाभिषेक का ये किया गया, 5 बजे आरती और 5:30 बजे ध्वजारोहण कर दिया गया है, और उन सत्यनारायण कथा समाप्त करते हुए पूरा मंदिर को बंद कर दिया गया है। इसलिए सबका यहाँ भीड़ न लगाते हुए हमने पूरा शासन के निर्देश का पालन किया है जी जी। हमारा अपने अपने घरों में संसारी समाज पुजारी बंधुओं ने अपना पूजा 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 पाठ कर रहे हैं, हम हमारा सत्यनारायण मंदिर कमेटी कंसारी समाज द्वारा हर घर में प्रसाद वितरण किया जा रहा है।
पूजन से आप सभी ने सत्यनारायण प्रभु जी से क्या मांग की, क्या दुआ की, प्रार्थना की? भगवान के पूजन से मांगे सो जाती है बंधु की सुख समृद्धि एवं भारतवर्ष में जिस प्रकार कोरोना वायरस से जूझ रहा है हम उसको सुख समृद्धि कामना करते हैं। यही हमने अपने पूरा किए, अपना मांग पूरा किए हैं, हमने अपने मांग रखे हैं, अनुरोध किया है भगवान से कि प्रार्थना की है, हमने अनुरोध किया, प्रार्थना की है कि भगवान सबको सुख समृद्धि रखे हैं और भारतवर्ष को भी सुख समृद्धि रखे हैं, किसी प्रकार का महामारी वैसे कि महासमारी से संकट दूर करें, हमारे पर विपत्ति आई है तो।